मुकेश अग्निहोत्री बनाए गए हिमाचल के नए डिप्टी सीएम। कैसा रहा अब तक का सियासी सफर, कितनी संपत्तियों के हैं मालिक, मुकेश अग्निहोत्री ये हिमाचल प्रदेश का चुनाव फतह करने वाली कांग्रेस का वो दमदार और वरिष्ठ चेहरा है जो यहाँ की राजनीति के सूरमा कहलाते हैं। पार्टी की विजय हुई तो इन्हें प्रदेश में उप मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने दक्षिण पश्चिम हिमाचल में हरोली से चुनाव लड़ा था जिसमें उन्होंने दमदार जीत भी हासिल की। अग्निहोत्री 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए थे। मुकेश अग्निहोत्री का जन्म 9 अक्टूबर 1962 को हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हैं। 2003, 2007, 2012 और 2017 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में हरोली से जीतने के बाद उन्हें 2012 से 2017 तक श्रम और रोजगार, संसदीय मामलों, सूचना और जनसंपर्क के अतिरिक्त प्रभार के साथ उद्योग मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया था। वह 2018 से 2022 तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता भी रहे। हिमाचल प्रदेश में डिप्टी सीएम पद पर आसीन होने वाले मुकेश अग्निहोत्री के पास संपत्तियां भी अच्छी खासी हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए हरोली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करते समय इन्होंने अपनी संपत्तियों से संबंधित जो हलफनामा दाखिल किया था उसके मुताबिक मुकेश अग्निहोत्री के पास कुल 5,47,32,433 रुपए की चल अचल संपत्ति है जिसमें से इनके पास 4,29,61,396 रुपए की चल संपत्ति है जबकि इनके पास 1,17,71,037 रुपए की अचल संपत्ति है। मुकेश अग्निहोत्री के कैश और बैंक बैलेंस की बात करें तो 2022 में चुनावी नामांकन दाखिल करने तक इनके और इनकी पत्नी के पास कुल 1,25,000 रुपए कैश था जबकि इनके और परिवारजनों के बैंक और अन्य अकाउंट्स में कुल 3,35,99,133 रुपए मौजूद थे। इस रकम में अब घटत या बढ़त संभव है। मुकेश अग्निहोत्री की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्होंने बॉन्ड्स या शेयर्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है। इनके पास कोई एनएसएस पोस्टल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स भी नहीं है जबकि इनके और परिवारजनों के पास कुल 68,64,534 रुपए की बीमा पॉलिसीज हैं। 2022 के हलफनामे के मुताबिक मुकेश अग्निहोत्री की ओर से अग्रिम राशि या व्यक्तिगत लोन के तौर पर कोई रकम नहीं दी गई थी। वहीं अगर ज्वेलरीज की बात करें तो इनके और परिवारजनों के पास कुल 53,58,000 रुपए मूल्य की ज्वेलरीज हैं, जिसमें 160 ग्राम सोना मुकेश अग्निहोत्री के नाम से है जिसकी कीमत 7,52,000 रुपए बताई गई थी जबकि इनकी पत्नी के पास 870 ग्राम सोने की ज्वेलरी है जिसकी कीमत हलफनामे में 40,89,000 रुपए बताई गई थी। इनके अन्य परिवारजनों के नाम से 110 ग्राम सोने की ज्वेलरीज हैं जिसकी कीमत 5,17,000 रुपए बताई गई थी। वर्तमान में इसके मार्केट वैल्यू में बढ़त या घटत संभव है। वहीं अगर इनके वाहनों की बात करें तो 2022 के हलफनामे के मुताबिक मुकेश अग्निहोत्री और इनके परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम से 3 गाड़ियां हैं जिनकी कुल कीमत 38,79,263 रुपए बताई गई थी। हिमाचल प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अचल संपत्तियों की बात करें तो इनके पास कुल 7,71,037 रुपए मूल्य की खेतीहर भूमि है जबकि इनके पास कोई गैर खेतीहर भूमि नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री और इनकी पत्नी के नाम से कई आवासीय इमारतें भी हैं जिनकी कुल कीमत 1,05,00,000 रुपए बताई गई थी। इनके नाम से कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। इनके लोन या देनदारियों की बात करें तो 2022 में नामांकन दाखिल करने तक इन पर और इनकी पत्नी पर कुल 50,00,000 रुपए की देनदारियां हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।